हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं अज्जी गुंडी फॉल्स। जी हाँ दोस्तों, येल्लापुर तालुक के वज्रली गांव के पास अज्जी गुंडी नाम का एक वाटर फॉल्स है, हम उसे देखने जा रहे हैं। तो फिर चलिए दोस्तों चलते हैं। अज्जी गुंडी वाटर फॉल्स तक जाने से पहले मैं उसका लोकेशन आपको गूगल मैप में दिखाना चाहता हूँ। ये जो वाटर फॉल्स है कर्नाटका राज्य के उत्तर कन्नड़ा जिले के येल्लापुर तालुक में है। चलिए अब हम कर्नाटक में जूम करेंगे और फिर हम उत्तर कन्नड़ में जूम करेंगे। देखिए अब आपको येल्लापुर यहां पर दिख रहा होगा और अज्जी गुंडी फॉल्स यहां पर है। अज्जी गुंडी फॉल्स तक जाने के लिए आपको येल्लापुर से कारवार जाने वाले रोड में जाना होगा। जैसे ही आप लोग येल्लापुर से निकलते हैं, आपको 9 किलोमीटर के बाद इडगुंदी नाम का एक गांव मिलता है। वहां पे आपको एक डायवर्सन मिलेगा, आपको उसमें राइट साइड वाला रोड को सिलेक्ट करना है। वो रोड डायरेक्टली कारवार को जाता है। चलिए हम थोड़ा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पर इडगुंदी है, आपको इस रोड में करीब 9 किलोमीटर जाना होगा। 9 किलोमीटर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक बीगार क्रॉस नाम का एक डायवर्सन मिलेगा, यही वो बीगार क्रॉस है। आपको यहाँ पे राइट वाला रोड को सेलेक्ट करना है और 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आपको तारगार नाम का एक गाँव मिल जाएगा। उसी गाँव में ये अज्जी गुंडी वाटर फॉल्स है। दोस्तों यहाँ के जो गांव वाले हैं विजिटर्स को यहाँ आने से मना करते हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं विजिटर्स जो हैं इन लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, इसीलिए वो इन्हें जाने नहीं देते। और ये जो अज्जी गुंडी वाटरफॉल्स है ये भी बाग बगीचे के बीच में है और यहाँ पर कई सारे घर है। ट्रैवलर्स के मिसबिहेवियर के कारण ये लोग यहाँ पर ट्रैवलर को अलाउ नहीं करते। तो फिर चलिए दोस्तों अब लोकेशन पर चलते हैं। अब हम येल्लापुर के इडगुंदी गाँव से कारवार रोड में जा रहे हैं। करीब 9 किलोमीटर कारवार रोड में ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर बीगार नाम का एक क्रॉस मिल जाता है। वहाँ पर एक बस स्टैंड भी है। इस बीगार रोड में अगर आप राइट वाला रोड सेलेक्ट करते हो तो डायरेक्टली तारगार तक जा पहुँचेंगे। अगर आप लोग स्ट्रेट जाएंगे तो वज्रली जा पहुँचेंगे। दोस्तों हमें राइट वाला डायरेक्शन सेलेक्ट करके तारगार रोड में ट्रैवल करना होगा। करीब 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमें तारगार गाँव मिल जाता है। अब हमें यहाँ से लेफ्ट वाले जो कॉन्क्रीट रोड है उस पर ट्रैवल करना है। थोड़ा नीचे डाउन उतरने के बाद हमें फिर से 2 क्रॉस मिलते हैं, हमें उसमें राइट वाला रोड को सेलेक्ट करना है। वैसे ही आगे जाने के बाद हमें एक छोटा सा गांव मिलता है और यहां पर बहुत सारे बाग बगीचे देखने को मिल जाते हैं और सुपारी के बगीचे के बीच में ही ये वाटरफॉल्स है। दोस्तों यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं और शांति से रहते हैं। इन्हें ट्रैवलर्स की उठपटांग हरकतें पसंद नहीं आती, इसीलिए ये इन्हें उनके बगीचे के बीच में जाने नहीं देते। दोस्तों अब हम अज्जी गुंडी वाटरफॉल्स तक आ चुके हैं, चलिए आगे चलते हैं। जरा होशियारी से आपको सुपारी के इस बाग में नीचे उतरना होगा। यहाँ पर बारिश के सीजन में लीचेस का खतरा तो होता ही है और ये जगह थोड़ा फिसलन भरा भी होता है, इसलिए आपको सोच समझ के कदम रखना होगा। और यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो भी लुढ़क सकते हैं। लीजिए अब हम वाटरफॉल्स तक पहुँच चुके हैं। देखिए दोस्तों यही अज्जी गुंडी वाटरफॉल्स का अद्भुत नज़ारा है। दोस्तों आप लोग यहां पर आराम से घूम सकते हैं, यहां पर पानी जरा भी गहरा नहीं है। दोस्तों इस वाटरफॉल्स में 2 स्टेप्स हैं, ऊपर का स्टेप थोड़ा छोटा है और नीचे का स्टेप उसके मुकाबले थोड़ा बड़ा है। देखिए दोस्तों आगे से इसका नज़ारा कितना अच्छा दिखता है। हम इस वाटरफॉल्स के आगे थोड़ा पहाड़ पर चढ़ के अभी शूट करके आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों इस वाटरफॉल्स के ठीक ऊपर एक मकान है। चलिए दोस्तों अब हम इस वाटरफॉल्स के ऊपरी हिस्से तक चलते हैं। यहां पर देखिए पाइप लगा हुआ है, शायद उनके घर वहाँ पर जो है उन्हें पानी यहाँ पर से सप्लाई होता होगा। मतलब इस तरह के जंगलों में बहुत बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर से पीने लायक शुद्ध पानी बहते रहती है, शायद उसी पानी को लाने के लिए इन्होंने यहाँ पर पाइप भी लगाया होगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पे थोड़ा होशियारी से जाइएगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा फिसलन भरा होता है और घास ज्यादा होने के कारण यहाँ पर सांप भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा दिख रहा है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ऊपर भी आप लोग सुपारी के बगीचे देख सकते हैं और देखिए दोस्तों यही पानी जो आगे जाके इस वाटरफॉल्स को क्रिएट करती है। दोस्तों यहाँ पर ये जो पानी है गर्मी के सीजन में थोड़ा कम होता है, फिर भी इस वाटरफॉल्स में हमेशा पानी रहता है और यहाँ का जो ज्यादातर पानी है वो व्यवसाय के लिए ही यूज होता है। दोस्तों आज तक इस वाटरफॉल्स को यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत स्वच्छ रखा है। दोस्तों जैसे मैंने कहा है इस वाटरफॉल्स के ऊपर एक मकान भी है, चाहे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको इसका ऊपर वाला स्टेप थोड़ा दिखा देते हैं।
देखिए दोस्तों, पानी इस तरह से बह के यहाँ पर आके पहला स्टेप क्रिएट करती है। बाद में ये पानी जो है नेक्स्ट स्टेप में जाके गिरती है और दूसरी स्टेप को क्रिएट करती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग उतरने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत फिसलन है। अब चले दोस्तों, हम जिस रास्ते से आए थे वहीं से अब नीचे उतर के जाते हैं। दोस्तों नीचे उतरते वक्त भी थोड़ा होशियारी से उतरिएगा। ये वाटरफॉल्स गांव के नज़दीक होने के कारण यहां पर हर कोई आसानी से जा सकता है। आप लोग अपनी फैमिली भी आसानी से ले जा सकते हैं, पर दोस्तों कुछ ट्रैवलर्स के वजह से यहां पर सभी ट्रैवलर्स को रिस्ट्रिक्शन भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों टूरिस्ट लोगों से हम ये विनती करते हैं कि आप लोग किसी भी फॉल्स में जाए या फिर किसी भी अच्छे प्लेस में जाए, उस प्लेस को खराब मत कीजिएगा, वहाँ का माहौल बिगाड़िएगा मत। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए ये प्लेस आपको कैसा लगा। इसी तरह के कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाके विजिट करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे लिस्टेड किसी भी अनरिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको घुमाएंगे और रहने का, खाने पीने का और गाड़ी का इंतजाम भी हम करा देंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यल्लापुर तालुक में इस वाटरफॉल्स के अलावा और भी कई वाटरफॉल्स हैं, उन सब वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग के साथ बने रहिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।